हिमाचल प्रदेश ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय बैठक रविवार को जिला न्यायालय परिसर मंडी में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष परमानंद शर्मा ने की। बैठक में प्रदेश के 9 डिवीजनों के पदाधिकारियों सहित कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष परमानंद शर्मा ने कहा कि न्यायिक कर्मचारियों के लिए बने R&P रूल्स में कमियां हैं और भर्ती तथा पदोन्नति के लिए बदलाव में कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। वहीं बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित कर प्रदेश उच्च न्यायालय को भेजने का निर्णय लिया गया। आज हमारी जनरल मीटिंग है जो रूटीन में होती है पीरियोडिकल, इसमें मंडी में रखी गई है और विभिन्न डिवीजन के प्रेसिडेंट्स सभी आए हैं और सभी डिवीजनल प्रेसिडेंट्स जो अपने डिवीज़न के मुद्दे हैं वो रखेंगे एम्प्लॉयज से संबंधित, उस बारे में विचार विमर्श करेंगे। कोई प्रॉब्लम है उसको हम आगे प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे। आज विशेष मीटिंग इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि जो हमारे R&P रूल बने हैं वो टोटल ही जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सेटी कमीशन की रिकमेंडेशन के विपरीत बने हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए मान्य नहीं है, तो इस बारे में हम इस मुद्दे को हाई कोर्ट ले जाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ले जा रहे हैं और वहाँ ऑनरेबल जो अथॉरिटी है उनके आगे रखेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और इस बारे में जो है इसमें अमेंडमेंट्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे उनसे। और हमने पहले भी इस बारे में एक रिप्रेजेंटेशन भेजा हुआ है इसमें अमेंड करें, जिस बारे में अभी तक कोई विशेष अमेंडमेंट्स नहीं हुई है, हमें कन्वे नहीं किए। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा।